गाना चेंज सब चीजों में मिठास है। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहला दिन है मार्केटिंग का, प्रमोशन का, और मैं चंडीगढ़ से शुरू कर रहा हूँ और दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन इंडिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं तो क्वेश्चन भूल गई हूँ आपको देख के। नहीं नहीं, पूछना जरूरी है, पेमेंट नहीं मिलेगी। ओके सो रणबीर, द ट्रेलर लुक्स सो फ्रेश, बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है। एंड श्रद्धा कपूर और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है आपको मिलते ही आ रहे होंगे। यू गाइस लुक सुपर क्यूट टुगेदर, सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द फिल्म। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये एक हिलेरियस लव स्टोरी है। एक्चुअली आपको बहुत हंसाएगी, एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली वैल्यूज इन द फिल्म। जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका नाम है मिकी, वो एक ब्रेकअप आर्टिस्ट है जो लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत दुखी है एंड यू नो दे वांट चेंजेस इन देयर लाइफ्स। वो बहुत अच्छी तरह ब्रेकअप कराता है, सब पार्टीज खुश होते हैं, ऐसा किरदार है। बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज अबाउट, वो हम थोड़ा सीक्रेट रखेंगे। जब ऑडियंस फिल्म को देखेगी ऑन होली 8th ऑफ मार्च, आई होप दैट दे ट्रूली एंजॉय इट। एंड आपको हमने देखा ट्रेलर में मकार का टाइटल दिया है, सो व्हाई इज दैट? इतना हैंडसम लड़का, उसको मकार का टाइटल क्यों दिया? क्यों मकार हैंडसम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं वैसे, ब्रेकअप में फिर मजा आता है। मकार का एक्चुअली मीनिंग क्या है? समवन हु इज कनिंग, इंटेलिजेंट। जो जो फिल्म में जो इस किरदार के जो हालात होते हैं उसको मकारी पर उतर आना पड़ता है। So that's why I guess, like I said before, जब लोग फिल्म देखेंगे they'll understand the character। भी आपके लिए इजी थी क्योंकि आपका एक जॉनर है। नहीं भाई, ये मूवी तो सबसे मुश्किल होती है क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, अगर मैं संजू जैसी फिल्म करूं या रॉकस्टार जैसी फिल्म करूं तो उसके पीछे किरदार होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैनरिज्म्स होते हैं। ऐसी फिल्म में आपको खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है तो और मुश्किल होता है। और मैंने अभी करीबन कितने किए, मैंने 85 सीनों किया है ये जॉनर में। अजब प्रेम की गजब कहानी की है मैंने, ये जवानी है, मोर फॉर लव स्टोरी, सो आई वुड से इट्स अ रोमकॉम, इट्स अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी आई गेस। ए दिले मुश्किल की है, अनजाना अनजानी की है, तो ये मेरी 6th रोमकॉम है। तो आई थिंक इसके बाद मुझे रिटायर होना चाहिए, तो लोग मुझे रिटायर कर देंगे। श्रद्धा ने टक्कर दी पूरी गजब की, इस बार अलग दिख रही है वो। श्रद्धा के साथ मैंने पहली बार काम किया इस फिल्म में। मैं श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हाफ फैमिलीज हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है, वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक उसने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। आई विल बी रियली सरप्राइज्ड to see Shraddha in this film. She's really the performance of it. But we are missing her today. She's not here. ये जो हमारे director साहब हैं, वो सबसे बड़े मकार हैं। उनका कुछ idea है, वो मुझे भी समझ नहीं आता कि हम अलग-अलग promote करें। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम साथ में करें, but I guess आगे जाके कुछ करेंगे। रणबीर पाजी, जब गाना इधर सामने, सामने, ये अभिषेक। रणबीर पाजी, जब गाना आया ना प्यार क्या किया, तब कमेंट पढ़ा मैंने, नीचे लिखा था, कौन कह सकता है कि इंसान अपनी बायोपिक में काम नहीं कर सकता।
लोग कह रहे हैं कि आपकी बायोपिक है एक तरह से, कैसे देखते हैं इस कमेंट को? मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया कि ये मेरी बायोपिक बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं मुझे प्यार होता होता कई बार है, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि यार टेंशन मत ले, मेरा अगर ब्रेकअप भी हुआ है इट्स ऑल गुड, प्यार होता कई बार है। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी प्यार एक बार भी होता है और वो बहुत लकी इंसान होते हैं कि पहली बार किसी से प्यार किया। और मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं, I've seen a lot of like family members also, which that's been their first love together, and they've lasted for 40, 50, 60 years together. और कभी कभी आपको दो तीन चार relationship से गुजरना पड़ता है till you find the correct person, and that's also fine. You know, आप खुद को पहचानते हो, आपको समझ में आता है relationships के बारे में, you know how much you have to give, the respect, everything. So it's fine both ways. Love में कोई rules नहीं होते, basically. सर श्रीकाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है जी चंडीगढ़ के बीच। So असी सारा जरा youth है सारा। लेकिन मुझे खुद प्यार हो जाता है तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता हूँ। प्यार से बढ़कर क्या है दुनिया में, you know? And not only partner love, if it's आपकी फैमिली की तरफ है, आपके दोस्तों की तरफ है, आपके जानवरों की तरफ है, किसकी भी तरफ है, I think love is the greatest feeling ever. एंड जहाँ ब्रेकअप का सवाल होता है, एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो हमेशा बुरा लगता है, हमेशा एक अच्छी बात नहीं होती। बट इस फिल्म में हमने सब कुछ एंटरटेनिंग कॉमेडी तरीके से दिखाया है। इसमें हमारे बहुत ही मशहूर अभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है बस्सी भाई भी है, जो उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। आपने बस्सी के वीडियोज देखे? हाँ, मैं उसको भी करना सिखा रहा हूँ। बस्सी को जी? नहीं नहीं, ऐसे पागल है, बस्सी ओरिजिनल है, उससे कोई उसके जैसा मैंने कोई इंसान ही नहीं देखा। वो इतना अच्छा इंसान है और इतना अच्छा लिखता है। आई थिंक जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक आर्ट होती है वो बहुत मुश्किल होती है। हमें लगता है कि हम भी ऊपर जाके दो तीन जोक्स मार देंगे तो यू नो लोग हंसेंगे, उसमें बहुत एक कला है। आई थिंक बस्सी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अरे रुक ना, सबको तो पूछते हैं यार। रणवीर थोड़े अकॉर्डिंगली प्यार दे विच किन्ना प्रोजेसिव होना जायज होता है? जी तुसी ज्यादा प्रोजेसिव हो या आलिया? आई थिंक जब हम जब मैं मेरी बात कर सकता हूं, जब मैं यंगर था शायद मैं ज्यादा प्रोजेसिव था, बट आई थिंक नाउ दैट आई एम ओल्डर आई अंडरस्टैंड लाइफ मोर, आई अंडरस्टैंड थोड़ी दुनियादारी भी आ गई है। आई थिंक पोजेसिवनेस बहुत ही एक सेल्फिश इमोशन है। I think you have to be very secure. You have to give the freedom to your partner. I think सबसे important चीज जो होती है relationship में वो है respect. अगर आप respect करते हो एक दूसरे को, अगर if you give each other time, if you give each other love and respect, then possessiveness और ये छोटी छोटी चीजें you know ये नजर नहीं आती। रणवीर सर, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ जी नमस्ते। आपको बहुत मुबारक है। शुक्रिया। फर्स्ट टाइम है जब होली को फिल्म रिलीज हो रही है। जी पहले होली में फिल्म बनी बोलते हो गाने में इसमें कोई होली के ऊपर गाना है कोई? सर रिलीज होली पे है लेकिन फिल्म होली के समय नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई गाना होली पे नहीं। मेरा एक गाना था बलम पिचकारी जो होली पर फिल्माया गया था, इसमें होली का गाना नहीं, इसमें गोद भराई का गाना है। मुझे ये बताइए, ब्रेकअप करना सिखा दिया, मूवी देख ली, अब मान लीजिए आपका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो तीन कौन से मान सकता हूँ? अभी मेरी शादी हो गई है तो बोल रहा है मान लीजिए फॉर द यूथ ओके, फॉर द यूथ तो एक कैरेक्टर समझा रहा है। यस, तो फिर कौन से तीन तरीके होंगे कि वहां से निकल पाए ब्रेकअप करने के, फ्रॉम पर्सनल एंड फ्रॉम द मूवी ऑफ लॉन्ड? यार क्या है कि जो मैं फिल्में करवाता हूँ वो बहुत मैनिपुलेटिव है। आई डोंट फील कि रियल लाइफ में ऐसी चीजें ऐसी मैनिपुलेशन यूज करना चाहिए। आई थिंक जब आपका दिल उठ चुका हो उस रिलेशनशिप से, जब आपका प्यार खत्म हो गया है, आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग एंड यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव दैट यू डोंट हर्ट द ऑपोजिट पार्टी इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल। तो ये इसमें सम मैनिपुलेशन काम नहीं आता, यू नो यू हैव टू जस्ट बी रियल एंड जो आपके अंदर जो बात है, जो सच्चाई है, जितना आप साफ साफ कह सकते हो वही बेटर होगा। Like bunny or the character you're playing in this movie, there's no particular. It's like charm, chocolate boy type of movie. So how do you define the character and how do you make it, you know, new and different from the other characters that you've done? I think. Oh, thank you. Would you like a chair? No. Okay. How do I make it different? I think most of. Sorry, मुझे खांसी हो गई है. I think most of this genre. ज़्यादातर आपको कैरेक्टर स्क्रिप्ट में मिलता है, स्टोरी में मिलता है,
of course it's the genre that you know it's a little superficial where you have to look all pretty and you know aapko acche gaane milte hain aise genre mein mujhe bahut maza aata hai gaane karne ke liye you know I love doing songs and when I get the you know the support of Pritam Arijit Amitabh Bhattacharya I always believe that actors in their careers are always remembered by their songs agar aaj aap Shammi Kapoor ke bare mein baat kare ya Rajesh Khanna you know, first thing that will pop up in your mind are their songs So this genre में एक बात मुझे बहुत पसंद है कि you get really good songs and you get to perform them तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है but having said this like ये जो किरदार है तू झूठी में मकार में जो किरदार है मिकी का मैं प्ले कर रहा हूँ वो बनी से बहुत अलग है और दूसरे जो किरदार मैंने प्ले किए रोम कॉम्स में उससे भी बहुत अलग है क्योंकि जो कहानी है इज बेसिकली अ कॉमेडी सो एवरीथिंग इज जस्ट हिलेरियस एंड उसके अंदर छुपा एक लव स्टोरी When you going to see my social media? I have not seen my social media. How will you see my social media? नहीं मेरे पास account तो है एक चोरी account है but I haven't really come legal क्या बोलते legally नहीं officially किस नाम से हाँ जी किस नाम नहीं नहीं कैसे बोलूँ तुझे तेरा account का नाम क्या One Abhishek Narula अच्छा Instagram का ठीक है मैं तुझे follow करता हूँ but yeah मैंने ऐसा सोचा नहीं है you know never say never I feel I have a very shy personality and to be on social media you have to be very out there and reflect your personality and be colorful aur wo meri personality nahi hai that's why I stayed away from it main zyada tar directors ko aisa message karta nahi hu but I really found something very entertaining and very nice in that film so then we met we discussed couple of ideas humne ek film announce ki thi with Mr. Ajay Devgan and myself that love was directing us time kuch date ki problem se wo film hui nahi so we decided on doing this film एंड आई थिंक लव और मैं दोनों चाहते थे कि हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं विच रियली गिव्स अ वार्म फीलिंग टू द ऑडियंस यू नो यस इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी बट एक जो एक वार्म फीलिंग होती है जब आप फिल्म देखते हो और आपको ऐसा फीलिंग आता है अरे यार बहुत मजा आया यू नो लाइक वी शुड रिकमेंड दिस टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली तो हाँ इंटेंशन वॉज दैट विद श्रद्धा इज कंसर्न लाइक आई सेड आई न्यू श्रद्धा सिंस शी वॉज बॉर्न एंड आई रियली एडमायर्ड हर वर्क आई रियली एडमायर हर टैलेंट I really admire the hard work and the passion that she has towards movies and I don't think I could have asked for a better co-star because aise filmon mein jaise title bhi hai tu jhooti mein makkar it's a battle you know so as an actor you need somebody to kind of throw googlies at you so you can throw it back you know you need that and agar aapke samne wala actor agar wo kar raha hai aisi kalakari dikha raha hai dikha rahi hai ya dikha raha hai fir aur maza aata hai so I really enjoyed working with Shraddha on this one Hi Ranveer Tahira hai Hi Tahira हम ओके सुरेंद्र आपका एक इवेंट हुआ था कुछ टाइम पहले जिसमें आपने बोला था दैट यू वुड लाइक टू वर्क इन अ पाकिस्तानी फिल्म उसके बाद यू नो पीपल लाइक काइंड ऑफ ट्रोल्ड यू अ लॉट फॉर दैट सो हाउ डू यू लुक एट दैट एंड व्हाई डू यू थिंक यू नो दिस इज स्टिल देयर I think ये थोड़ा मेरा statement misconstrue हो गया था मैं I had gone for a film festival and there were a lot of Pakistani filmmakers asking me this question that you know if you got a good subject would you do it so I didn't want it to be controversial in any way जैसे हुआ I don't think इतनी भी बड़ी controversy हुई but for me films are films art is art you know I have worked with Fawad in Ae Dil-e Mushkil I have known a lot of artists from Pakistan you know Rahat and Atif Aslam were such great singers who used to contribute to Hindi cinema so cinema is cinema I don't think cinema sees boundaries but of course you have to respect art but at the same time art is not bigger than your country so anybody who is not on good terms with your country your first thing your first priority will always be your country आपके भी कुछ चल रहे ना आजकल इसका क्या जवाब दो क्या चल रहा है तो फिर मैं भी बताऊंगा आराम से ओके वी विल हैव वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नाउ तो मैं जानना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी फिल्म बनती है क्या आप भी उसके म्यूजिक को लेकर कंसर्न्ड होते हैं या फिर गाने आते हैं तो रणवीर सुनता है हाँ ये ठीक है नहीं है या फिर वो शुरू से क्रियोलॉजी रहती है या म्यूजिक कौन कर रहा है म्यूजिक कैसा मैं ज्यादा मतलब आई डोंट इंटरफियर टू मच बट आई अंडरस्टैंड जैसे मैंने पहले कहा था कि द वैल्यू ऑफ म्यूजिक एंड जो प्रीतम दादा और मेरा जो एक जोड़ी बनी है वी हैव डन सम 8 और 9 फिल्म्स टुगेदर नाउ
एंड इवन व्हेन आई वर्क विद मिस्टर रहमान ऑन रॉकस्टार एंड तमाशा, तो मैं अपने मैं पार्टिसिपेट बहुत करता हूँ. मैं म्यूजिक सीटिंग्स में जाता हूँ जब जब वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि दोनों की अच्छा ये दोनों चाहे वो दोनों चाहे. सो इट इज समथिंग विच आई एंजॉय एज अ एज एन आर्टिस्ट. तो इट्स आई वुड कॉल इट इंटरफेयरिंग बट आई वुड से दैट मुझे पसंद है, गाने पसंद है. मुझे सिनेमा, इंडियन सिनेमा मीन्स सॉन्ग्स, इंडियन सिनेमा मीन्स ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी. क्या है कि इंडियन सिनेमा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड सिनेमा बिकॉज वी मेक मल्टी जॉनर सिनेमा. हमारी एक ही फिल्म में इतनी जॉनर्स होती है दैट वी गिव ऑडियंस एन एंटायर गैमिट ऑफ इमोशंस, सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामा, एक्शन. बट आई फील सॉन्ग्स इज समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉय एंड आई रियली. कोई ऐसी म्यूजिक सिटिंग याद है जो कभी नहीं भूलते आप? आई थिंक पहली बार जब रॉकस्टार के दौरान जब हम प्रेप कर रहे थे, व्हेन वी वेंट टू चेन्नई टू सिट विद मिस्टर रहमान, एंड आई थिंक क्योंकि इतना हमने सुना था, यू नो एट दैट टाइम ही वन द ऑस्कर एंड यू नो बहुत सारे ऐसे एक 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 क्या बोलते जो मिस्ट्री थी रहमान सर के पीछे. तो मैं, इम्तियाज और मोहित चौहान और इरशाद भाई हम गए थे चेन्नई. एंड आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम जब हम उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए, रात के टाइम थे बिकॉज ही ओनली रिकॉर्ड्स एट नाइट, ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे. एंड देन ही केम एंड ही लिट अ कैंडल बिकॉज ही गेट्स सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट कैंडल. एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग एंड मेकिंग अस योर सॉन्ग्स. And it was so inspiring as an actor, as somebody who's part of creation, to see this man. And he is just a genius, you know, क्योंकि वो चार पांच घंटे बैठकर पियानो में अलग अलग धुन ट्राई कर रहा था, different sounds, different voices. Then I remember I asked him that, Rahman sir, which is your favorite instrument? और उनका जवाब था human voice. And I found that so beautiful, you know, because the way he uses a human voice, I don't think any composer uses that. So I think that was memorable. Perfect. So Ranbir, we yeah. had किसी और ने कुछ question पूछा? नहीं, dance तो आपके साथ करूँगा, वो तो promise. वो मुझे बीच-बीच में इशारा कर रहे हैं ऐसे कि dance करो. रणबीर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं और आपने बहुत सारी मूवीज देखी हैं बॉलीवुड की, अगर कोई ऐसा किरदार जो आपने देखा हो कि यार ये अगर मुझे मिलता तो मैं करना पसंद करता, कोई ऐसा किरदार? करना पसंद करता वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर मैं कर पाता, बट आई थिंक अगर जस्ट इन द लास्ट टू ईयर्स आई थिंक तीन फिल्में जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी द परफॉर्मेंसेस वुड बी अल्लू अर्जुन इन पुष्पा, आलिया भट्ट इन गंगूबाई, and I would say RRR. I think all three of these films were, they impacted me a lot, you know, as an audience and even as an actor. I would be like, wow, if I had got a character like this, it would have been so nice. Kabhi kabhi directors aapko involve karte hain, you know, so you can better it. Agar aap bhi apni opinion do, acha ye nikal sakta hai, ye thoda better hai, isko reshoot kar sakte hain, to wo sab process hota hai very early on. But ek baar film ready hai, then I like to see it complete, you know, with background music, with the mixing done and everything. So maine actually film dekhi nahi hai, tu jhooti main makar, main is hafte dekh raha hu, but I've been in the process of seeing the other scenes, individual scenes and songs and all that. One last question from my side, ki aapki jitni bhi movies ab tak aapne kari hain, usme se koi character ya koi movie aisi aapko lagti hai jo aap kabhi sochte ho ki ye character main aur acha kar sakta tha ya aur better kar sakta? Bilkul, actually bahut sari movies hai, lekin agar mere ko ek chunna hai, I would say Rajneeti. I think wo film itni achhi thi, lekin jo mera परफॉर्मेंस था वो बहुत वीक था, लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा था. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म अच्छी होती है, फिल्म सुपर हिट होती है तो सब अच्छा लगने लगता है, जब फिल्म अच्छी नहीं होती तो कुछ नहीं अच्छा लगने लगता है. जैसे मुझे लगा कि मैंने बॉम्बे वेलवेट में बहुत अच्छा काम किया, बट क्योंकि फिल्म इतनी खराब थी और लोगों को पसंद नहीं है तो वो भी लोग नोटिस नहीं करते. और जहाँ राजनीति का सवाल है, वो फिल्म इतनी अच्छी थी लेकिन मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नहीं चला. सो आई विश आई कुड बेटर दैट परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच.